हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितु स्टडी पॉइंट्स में। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि श्वेत प्रकाश क्या होता है? जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसी को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आइए देखते हैं। तो श्वेत प्रकाश होता है, जैसे मान लिया ये मेरे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म होता है कांच का, जैसे आपको दिख रहा है। तो ये एक प्रिज्म है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं सूर्य का प्रकाश डालूँ, ये श्वेत प्रकाश मैंने यहाँ डाला, तो क्या हुआ, यहाँ से इसका पहले परावर्तन हुआ, एक बार परावर्तन हो गया। अब परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये इधर को झुकी। अब यहाँ से आगे को फिर से इसका अपवर्तन हुआ और यहाँ से फिर से ये झुक गई। यानी कि एक प्रिज्म में कितनी बार अपवर्तन हो गया, दो बार, पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर। तो श्वेत प्रकाश का यानी कि सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराकर अपवर्तन के पश्चात अपने अवयवी मतलब ये जो प्रकाश है इस प्रिज्म से टकराकर कितने रंगों में टूट रहा है, सात रंगों में। तो अपने अवयवी सात रंगों में टूटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये जो प्रकाश सात रंगों में टूटता है वो सात रंग कौन कौन से होते हैं, ये वाले। इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है जिसे बोलते हैं विवग्योर। ये विवग्योर के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं, जहाँ पर वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, यानी वॉयलेट का मतलब बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। यानी कि जो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकरा रहा है वो कितने रंगों में टूट रहा है, सेवन कलर्स में। और वो सेवन कलर्स कौन से होते हैं, विवग्योर। तो श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से टकरा कर अपने अवयवी सात रंगों में टूटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब ये जो सेवन कलर्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जो सबसे कम विचलन होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का। और सबसे ज़्यादा जो वर्ण विक्षेपण होता है वो भी किसका होता है, बैंगनी रंग का, यानी कि वॉयलेट का होता है। और सबसे कम जो वर्ण विक्षेपण होता है वो रेड कलर का होता है। अब क्या देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि कौन सा कलर कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की। अब तरंग दैर्ध्य से हम देखो, जैसे कि आपने सुना होगा जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो अधिक दूरी पर खड़े रहकर भी लाल रंग अधिक अच्छा है, मतलब अच्छे तरीके से चमकता है, जिस कारण खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी का होता है और सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है। सबसे अधिक वेग यानी कि वेलोसिटी भी लाल रंग की, तरंग दैर्ध्य भी लाल की होती है और वेग भी लाल का होता है। और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का, सबसे अधिक आवृत्ति बैंगनी की होती है और सबसे कम आवृत्ति लाल की होती है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस कलर की होगी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, लाल रंग की होती है। अब बात करते हैं हम इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। उससे पहले आप इसको एक मिनट देख लीजिए। तो अब देखते हैं इंद्रधनुष क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की छोटी बूंदों पर प्रकाश पड़ने से होता है। जैसे मान लिया कि ये एक वर्षा की बूंद है। एक चीज़ और, इंद्रधनुष तभी बनता है जब एक तरफ क्या हो, सूरज निकलता हुआ हो, जैसे मान लिया ये सूरज है, और क्या हो, बारिश होती हुई हो। तो क्या होता है, जो जैसे मान लिया इधर सूरज है, ये बारिश हो रही है यहाँ पर, ये थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, मान लिया यहाँ पर ये है सूरज यानी कि सन। अब क्या हुआ, यहाँ बीच में
ये बादल हैं, यहाँ से क्या हो रही है, बारिश हो रही है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें यहाँ से गिर रही हैं। तो जो इंद्रधनुष बनेगा वहाँ वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर कहीं इंद्रधनुष में बनता हुआ दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है ना, मतलब वृत्त के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह से इंद्रधनुष बनता है। सूरज की जो किरणें होती हैं वो वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं। जब वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं तो जैसे मान लिया एक वर्षा की बूंद है, यहाँ से प्रकाश किरण आई तो ये झुक जाएगी थोड़ी, फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर यहाँ से वो फिर बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो वर्षा की बूंदों पर सूरज का प्रकाश पड़ने से क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसमें प्रकाश का क्या क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और बल विक्षेपण होता है। तो इन सबको डिटेल से अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। परावर्तन हमने पढ़ लिया है, अपवर्तन इसको डिटेल से ही आगे बताएंगे, अभी फिलहाल हम इस पर देखते हैं। तो अब आता है इंद्रधनुष के प्रकार। तो इंद्रधनुष के प्रकार क्या क्या होते हैं, इंद्रधनुष के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, दो बार परावर्तन और दो बार एक बार अपवर्तन। मतलब कि जैसे ये एक वर्षा की बूंद है तो इस बूंद में क्या होगा, दो बार जो होगा प्रकाश की किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा और एक बार हो जाएगा उसका अपवर्तन, यहाँ से टकरा के इस तरह से। और क्या होता है, जैसे मान लिया ये इंद्रधनुष बन गया, तो अगर ये प्राथमिक इंद्रधनुष होगा तो इसमें जो बाहर की ओर होगा वो लाल रंग होता है और जो अंदर की ओर होता है, मतलब जो ये वाला होता है, ये बैंगनी रंग होता है। ये होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें दो बार परावर्तन होता है और एक बार अपवर्तन होता है और इसमें बाहर की साइड में लाल रंग होता है और अंदर की साइड में बैंगनी रंग होता है। और इसका आकार कैसा होता है, वृत्ताकार। अब देखते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष इसमें दो बार क्या होगा, परावर्तन होता है और दो ही बार क्या होता है, अपवर्तन। तो अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, तो जिसमें दो बार परावर्तन और एक बार अपवर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। और अगर पूछा जाए कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, तो जिसमें दो बार परावर्तन और दो बार अपवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। और इसमें बैंगनी रंग, देखिए ये इंद्रधनुष हो गया, तो अब की बार जो यहाँ ये वाला रंग होगा वो होगा बैंगनी और जो नीचे वाला होगा अंदर वाला वो होगा लाल, मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये वाला इंद्रधनुष कहलाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो ये दो प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, द्वितीयक और प्राथमिक। और इंद्रधनुष के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे कि इसमें कुल रंग कितने होते हैं, 7। और इन 7 रंगों को हम किससे जानते हैं, विव की ओर से। इसका मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके बाद इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, वृत्त का आकार होता है। इसका आकार वृत्त का होगा। और जो इंद्रधनुष बनता है वो कब बनता है, जब धूप निकलती हुई होती है, हल्की बारिश होती हुई होती है। और कहाँ बनेगा, सूरज की विपरीत दिशा में बनता है। जैसे इधर से सूरज, जैसे मान लिया ये सूरज है, यहाँ बीच में वर्षा की बूंद है, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, इधर। अगर इधर सूरज है, यहाँ बारिश हो रही है, तो इंद्रधनुष यहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।